गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास सेवंथ सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर फाइव एंड चैप्टर नेम लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.1। इसके अदर्स क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में कर चुके हैं, जो आपको पार्ट दिए गए हैं। कुछ पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर। अब इसमें ऑप्शन दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो दिया है लीनियर पेयर। तो हम जो ये एंगल बना रखे हैं इसमें क्या ढूंढना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढना है और लीनियर पेयर ऑफ द एंगल ढूंढना है। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि वर्टिकली इस फिगर में जो है, इस फिगर में कौन कौन से पेयर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसमें कौन सा क्या इंडिकेट, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा इंडिकेट कर रहा है, जैसे एंगल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें हमें बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता था कि जब अपोजिट एंगल आमने सामने के एंगल्स क्या हो, आमने सामने, लाइक ये कोई ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो एंगल आएगा, ये एंगल और ये एंगल, यानी अपोजिट एंगल कह सकते हैं इसको, इसका अपोजिट एंगल ये आएगा, इसका अपोजिट एंगल ये आएगा, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये क्या होंगे, इसी तरह से हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल का क्या ढूंढने हैं, पे पेयर्स ढूंढने। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, ए एंड बी है, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या है, डी टू सी है, और एक हमारे पास लाइन सेगमेंट ओ ई है, ठीक है, और ये वो क्या है, इन सारे लाइन सेगमेंट में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे क्या बना रहा है, एक वर्टिक्स बना रहा है, तो ये वर्टिक कॉमन वर्टिक्स हो गया। अब ये कहा कि क्या कर रहा है, अगर हम इसको इग्नोर करें, ओ ई को इग्नोर करें, तो हमें क्या दिखा है, डी सी एंड ए बी के बीच में, डी सी एंड ए बी के बीच एक क्रॉस दिख रहा है, ये एंगल देखो हमें, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 4, ये क्या दिख रहा है, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 4, तो इसे कहेंगे एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी यानी एंगल नंबर 1 एंड एंगल ए ओ बी, तो ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया। तो आपने देखा कि ये क्या है, क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग क्या बना रही है, ये क्या हो गया आपस में इक्वल है, क्या एक पेयर हमारे पास क्या आएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल का, एंगल एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एक पेयर हमारे पास ये आ गया वर्टिकल अपोजिट एंगल का। नेक्स्ट पेयर देखिए आप, एंगल नंबर 5 एंड एंगल नंबर 2 एंड 3 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, ये देखो ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये क्या बना रहा है, इसके जस्ट सामने एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, तो ये क्या होगा, एंगल ए ओ सी। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या बना रहा है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल क्या, एंगल डी ओ बी, एंगल डी डी ओ बी ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल डी ओ, तो यहाँ पे क्या बने, दो वर्टिकल अपोजिट एंगल बने, ये देखो ये एंगल ए ओ डी क्या है, ए ओ एंड डी, तो इसको क्या पता है इसने, एंगल नंबर 4 एंड एंगल सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी सी ओ बी, तो ये क्या आ गया, एंगल नंबर 1, तो यहाँ पे क्या एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 1 का ये क्या बन गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर बन गया। नेक्स्ट एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, तो एंगल क्या बता रहा है किसने, 5, तो ये आ जाएगा एंगल 5 एंड इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, देखिए एंगल डी ओ बी, तो इसमें दो एंगल आएगा ना, डी ओ ई, तो इसको देखिए एंगल डी ओ ई एंड प्लस एंगल किससे बन गया मिला, एंगल ई ओ बी, किससे, एंगल ई ओ बी। अब देखो एंगल डी ओ ई को क्या था, एंगल डी ओ ई को एंगल नंबर 3 बोलते हैं, तो ये आ गया एंगल 3 प्लस एंगल ई ओ बी, तो इसको क्या कहते हैं, एंगल नंबर 2, ये आ गया एंगल, तो यानी जो एंगल नंबर 5 है वो किसके इक्वल टू, एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 2, तो ये क्या हो गया, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर बन जाएगा, एंगल नंबर 5 इक्वल टू एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में लीनियर पेयर, अब इस समय इन एंगल्स में क्या बताना है, लीनियर
पेयर बताने हैं कि कौन कौन से यहाँ पे लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का आपको पता होगा, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू लीनियर पेयर। पेयर का मतलब क्या हो, दो एंगल हो क्या हो जोड़े में, लेकिन एक जोड़े में लीनियर पेयर। और वो क्या बनाए 180, यानी सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल मैंने आपको बताया था। सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर से कहले कैसे डिफरेंट होते हैं, मैंने डिफरेंस होते हैं वो अगर आपको बता रखा है। आप इसके लिए लेक्चर नंबर 2 जो आपको डाल दिया गया है उसको देखें, अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है लीनियर पेयर क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो उनके मैंने सारी कंडीशन आपको बता रखी है। यहाँ पे लीनियर पेयर की बात करते हैं कि लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल बनाएंगे। देखिए ये ये पूछ रहा है कि इस फिगर में कौन कौन से एंगल क्या है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर वही होंगे, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180। लाइक मेरे पास कोई एंगल है x एंगल एंड प्लस y है, तो इनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी 180 डिग्री इट मींस ये क्या है पूरा 360। यहां पे अगर मैं एंगल चेक करूं तो ये क्या है 360 डिग्री है। अब इसको अगर 180 डिग्री एंगल माना तो ये क्या बनाए, एक हाफ साइकिल बनाए, तो क्या बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनाए। तो जहां एक स्ट्रेट लाइन आए, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन तो आ रही है और यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन क्या हो रहा है 180 डिग्री का। तो यानी जहां पे एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे क्या होगा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, जो आकर इस तरह से शो किया जाएगा। अब देखिए ये बात आपको बता दी। अब हमें यहाँ पे लाइक मैं बात करूं कि एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड बी की बात करूं मैं, इसका एंगल ए से एंगल बी का, तो ए क्या बना रहा है स्ट्रेट लाइन बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आई ना ए बी, इस पे एंगल कौन कौन से, तो एक पेयर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट पेयर हमारा लीनियर पेयर का हो जाएगा एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल सी ओ बी। तो ये क्या बनाएगा, एक लीनियर पेयर बनाएगा, तो इससे कौन कौन से एंगल हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये क्या बना रहा पूरा एक लीनियर पेयर बना रहा। देखिए इस एंगल को देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है एक हाफ सर्कल आ रहा है, जैसे मैंने आपको ये बताया एक हाफ सर्कल आ रहा है, किस पे लाइन ए बी, किस किस एंगल का सम, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी का। तो अब ये क्या होगा 180 डिग्री एक पेयर। अब एंगल ए ओ सी को क्या कहा, ए ओ सी, तो इसको हमने क्या बोलते हैं एंगल 5 जो आपके फिगर में दिया हुआ, प्लस नेक्स्ट एंगल क्या देख सी ओ बी को क्या कहा एंगल नंबर 1, ये क्या जाएगा एंगल 1। तो इन दो एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो ये क्या बना दिया, ये इसने एक जो इसने एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसने ये क्या बना दिया लीनियर पेयर बना दिया। नेक्स्ट पेयर देखिए यहाँ पे ये पेयर आ गया, नेक्स्ट पेयर हमारी नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्या है डीसी। डीसी लाइन सेगमेंट को आप देखें, डीसी लाइन सेगमेंट को आप देखें तो कौन सा डी ओ ए एक एंगल ये है और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है एंगल ए ओ सी। तो देखो ये लाइन सेगमेंट जा रहा है और यहां से ये क्या बना रहे हैं इस लाइन का क्या बना रहे हैं हाफ सर्कल बना रहे ना। अगर हम इस लाइन को इग्नोर करें तो ये क्या बना रहा है एक लाइन स्ट्रेट लाइन बना रहा है, डीसी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5, तो इसका सम भी कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा इसमें नेक्स्ट जो पेयर बनाएगा लीनियर पेयर, तो ये क्या हो जाएगा एंगल डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इस एंगल को हमने ऐड किया किस एंगल से, एंगल ए ओ सी, तो क्या हो जाएगा प्लस एंगल एंगल ए ओ सी, तो ये कितना बनाएगा 180 डिग्री है एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5 का। यार कितना सम क्या आ रहा है, ये हाफ सर्कल आ रहा है ना, ये पूरा हाफ सर्कल आ रहा है जैसे ये हाफ सर्कल, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या बना दिया इसने एक लीनियर पेयर बना दिया। एंगल ए बी में हमने चेक किया एक लीनियर पेयर यहां बना रहा है, सॉरी लाइन सेगमेंट ए बी में हमने चेक करा है कि ये क्या बना रहा था, ये हाफ सर्कल बना रहा था, वैसे हमने डीसी लाइन सेगमेंट में चेक किया। अब देखो ओ एंड ई, तो ओ एंड ई एक लाइन कंप्लीट लाइन सेगमेंट में, क्योंकि ये वर्टिक्स से आ रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट ये क्या जा रही है यहां से वर्टिक्स से जा रही है, तो ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट और नहीं बना रहे, क्योंकि अगर ये आगे होता तब हम इसको क्या बनते एक स्ट्रेट लाइन बोल के चलते ई एंड ई डी बोल सकते या कुछ एक और नाम दे, अगर ये लाइन यहां तब ये लाइन पेयर बनाता, लेकिन ये यहीं तक है वर्टिक्स तक है, तो इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा। तो इस फिगर में दो क्या मिले आपको लीनियर पेयर मिले और दो क्या मिले आपको वर्टिकल
अपोजिट एंगल्स के पेयर मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर्स इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू। ये कह रहे हैं कि क्या एंगल, यानी इन द गिवन फिगर, जो फिगर क्या है आपको दिया हुआ है, यह आपका क्या है गिवन फिगर, इस फिगर में क्वेश्चन कर रहा है इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू, क्या एंगल वन एंगल टू का एडजेसेंट एंगल है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इसका मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 आप देखिए, पार्ट 2 जो है आप वहां देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ये सारा बेसिक में बता दूं। अब देखिए, अब आपने इसकी कंडीशन लगाने की, एडजेसेंट एंगल की कंडीशन क्या होती है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, एंड सी डी एक लाइन सेगमेंट है, इससे बना हुआ है। नेक्स्ट एक वर्टिक्स आपकी बी आई एंड नेक्स्ट वर्टिक्स क्या आई सी आई। अब देखो जो एडजेसेंट एंगल से कंडीशन होती है, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, एक कॉमन लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो अब बात की चलते हैं एंगल ए बी सी, तो एंगल वन को शो कर रहा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी तो एंगल वन को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें कौन सी आई लाइन सेगमेंट, कौन कौन सी आई, ए बी एंड बी सी, किस वाले एंगल में, इन एंगल ए बी एंड सी, इसमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट आई, ए बी एंड बी सी। नेक्स्ट एंगल देखते हैं हम किसमें, एंगल बी सी डी, यानी एंगल टू को, एंगल बी सी एंड डी, तो इसमें कौन सी लाइन सेगमेंट आई, बी सी, तो बी सी आ गई, बी सी आ गए एंड सी डी, तो दोनों लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट क्या आ गई सी डी। तो इस कंडीशन को तो ये फिलफुल कर रहा है कि एक लाइन सेगमेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन आ रहा है बी सी, एंगल ए बी सी में बी सी लाइन सेगमेंट आ रहा है, एंगल बी सी डी में भी क्या आ रहा है, एंगल सॉरी लाइन सेगमेंट बी सी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ये आपने देख लिया, पहली कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एडजॉइंट फिगर होना चाहिए, सॉरी एडजॉइंट फिगर होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कॉमन वर्टिक्स, जो एंगल हम बना रहे हैं उसकी क्या होनी चाहिए, कॉमन वर्टिक्स होनी चाहिए। अब वर्टिक्स कौन से, एंगल ए बी सी, तो ए बी सी में वर्टिक्स क्या है, वर्टिक्स क्या होती है, जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट क्या करें, इंटरसेक्ट करें या मिले, तो क्या हो जाता है, वर्टिक्स हो जाता है। तो इस एंगल ए बी सी का वर्टिक्स क्या है, बी, तो यहाँ पे वर्टिक्स आ गया हमारा बी, किसमें, एंगल ए बी एंड सी में, ए बी सी में वर्टिक्स क्या आया, बी आया। नेक्स्ट एंगल बी सी डी में देखो, एंगल बी सी एंड डी, एंगल बी सी डी में देखो वर्टिक्स क्या आ रहा है, बी सी डी, तो बी सी लाइन एंड डी सी लाइन कहां पे मिली, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मिली, तो ये वर्टिक्स हुई, तो ये क्या हो गया, एंगल वर्टिक्स क्या हो जाएगा, सी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट एंगल्स की जो कंडीशन होती है, ये क्या कहता है कि दोनों एंगल के बीच में क्या, दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, दोनों एंगल्स का ये क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए, जो कि इन दोनों एंगल में कॉमन वर्टिक्स नहीं है। तो क्या क्या कहा था इसने, गिव रीजन, ये सबसे पहले इसने कहा एंगल वन एंगल टू का एडजेसेंट एंगल है, तो हमने इसकी कंडीशन चेक की कि ये क्या नहीं है, फर्स्ट कंडीशन इसने फुलफिल की थी, नेक्स्ट कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा। थर्ड कंडीशन आती तो थर्ड कंडीशन क्या है कि एंगल्स क्या नहीं होने चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो एंगल यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो उसको, लेकिन इस कंडीशन को ये क्या नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या नहीं होगा, ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो रहा हो, यही इसका रीजन है। ये कह रहा है कि ये रीजन ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं, ये अगर ये एंगल वन एंगल टू क्या नहीं है, एंगल वन एंगल टू का एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसका रीजन हमें देना। तो सबसे पहले तो हम ये स्टेटमेंट देखें कि है या नहीं, तो ये क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं, एंगल वन एंड एंगल टू क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब क्यों नहीं है, गिव रीजन, तो क्योंकि इनका क्या नहीं है, एक कॉमन वर्टिक्स नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है।